नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। मेरे साथ राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर रविंद्र सिंह है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, और आप मुझे मौका दे रहे हैं अपनी बातें रखने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए। आप लाइव सिटीज़ को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आगे बहुत सारे बड़े कार्यक्रम भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सवर्णों को 10% आरक्षण जो गरीब सवर्ण है उन्हें मिला, इस बात पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम आज लगातार 4 महीना से इस बात को कह रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि चलिए माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में सोचा और इसको संविधान में लाया। ये एक बहुत अच्छी पहलू है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जात पात धर्म के नाम पर आरक्षण मत करिए। अभी 1950 नहीं है, 2018 है। आप गरीबी के आधार पर इसको लेके आइए। और आरक्षण जो आपने दिया 49.5% पहले था, अब 10% जो बाकी 50.5% जो जनरल के लिए बचा हुआ था, उसी में से 10% का कोटा काट करके आपने दे दिया। तो ये तो हमारा ही हक, हमको दे दिया एक तरीके से। दूसरी तरफ उसमें कहते हैं आप 8 लाख रुपया 5 एकड़ जमीन 100 गज शहर में, 200 गज मैंने म्यूनिसपल्टी में। एक तरफ आप कहते हैं 3 लाख रुपए से ऊपर इनकम होगा तो टैक्स बनेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दूसरी चीज, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लाया, कहते हैं 50 करोड़ लोग को 5-5 लाख रुपया हेल्थ सब्सिडी देंगे, माने हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। और उसमें कहते हैं जनरल के लिए, जनरल माने जो हम लोग को कह रहे हैं, कि 2 कट्ठा जमीन और 1 मोटरसाइकिल आपके पास गलती से है तो आप उस योजना में नहीं आएंगे। तो ये परिभाषा को कौन समझाएगा? ये फिर से एक जुमला है। दूसरी चीज, सर्वे की बात करें तो देश भर में जितने लोग हैं उनमें से जो 90% लोग हैं वो 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं। देखिए, तो सर्वे आया है, सर्वे है कि मात्र 2 करोड़ 30 लाख लोग 4 लाख रुपए से ऊपर इनकम टैक्स भरते हैं। अच्छा, ठीक है। तो करीब करीब 97-98% लोग इस सीमा रेखा में आ जाते हैं। तो फिर तो वही बात हुई कि सवर्णों का ही लॉलीपॉप, सवर्णों को ही पकड़ा दिया। एक पहला चीज तो सवर्ण है ही नहीं। हमको लोकसभा में बिल जो पास हुआ उसको दिखाई हुई, लिखा हुआ है क्या सवर्णों के लिए आरक्षण है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हाँ, सवर्ण कहीं वर्ड नहीं है। तो ये लॉलीपॉप से तो काम चलेगा नहीं। एक बहुत अच्छा काम किए हैं कि आर्थिक आधार पर संविधान में ले आए, और मेरा डिमांड है कि आर्थिक आधार पे 49.5% के अंदर ही सबको आरक्षण दिया जाए, और इसका भी एक समय सीमा तय हो। और शिक्षा व्यवस्था को, पहले भी मैंने आपको कहा, उसको मॉडर्न स्कूल को हर एक पंचायत में दीजिए, ताकि गरीब वंचित आईएएस आईपीएस मंत्री एमएलए अमीर सबका बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा, तब ना क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, तब ना आरक्षण से देश को फायदा होगा। चलिए, केंद्र सरकार में तो लागू करवा लिए, बिहार सरकार नीतीश कुमार से कब करवाएंगे? डबल इंजन की सरकार। देखिए, नीतीश जी के लिए तो मुझे बड़ा हंसी आता है। अच्छा, लालू जी का जंगल राज था, तो उसको मंगल करने के लिए नीतीश जी आए। अब बोले लवकुश समीकरण, तो लवकुश माने राम जी का बेटा, वो भी तो सवर्ण ना हो गए। अब कहते हैं पिछड़ा है, आरक्षण चाहिए। हाँ, सवर्णों ने एकजुट होकर के इनको, लालू यादव को हटा के इनको मुख्यमंत्री बनाया, बहुत सारा एक्सपेक्टेशन के साथ में, इसी लॉलीपॉप देते हैं। वो सवर्ण आयोग गठित किया थे, मात्र 20 जिला में उसका सर्वेक्षण किए। अच्छा, ठीक है। हर 20 जिला का सर्वेक्षण में इनके पास रिपोर्ट आया कि 21% सवर्णों की आबादी है। अच्छा। और उसमें 17 जिला अभी तक नहीं हुआ है, और उसमें सवर्ण कमेटी जो थी उन्होंने 9 सूत्री मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, तो आज तक तो लटकल है। क्या है? लटकल है। हमको तो लगता है आज के डेट में नीतीश जी को सवर्णों ने बनाया, 2005 में भी है, 2010 में भी, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमको लगता है आज के डेट में सवर्ण ही है उनके लिए। और ठीक है, और बात चलती है, और देखिए डबल इंजन की सरकार है, दो स्टेट में तो शायद अनाउंसमेंट हो गया, जहां तक मुझे ही पता चला तीसरे स्टेट में भी शायद अनाउंसमेंट हुआ है। तो नीतीश जी डबल इंजन की सरकार है, दोनों एनडीए है, तो उनको तो तुरंत बिहार में लागू करना चाहिए। लेकिन लालू यादव के साथ में जब जंगल से मंगल से और फिर जंगल में गए थे,
तो एगो एग्रीमेंट किए थे ना मालूम क्या कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कहियो ला नहीं देंगे। अच्छा, सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था के और स्टेटमेंट भी दिए थे कि हमारा लाश पर की कथित दूरी पर आरक्षण खत्म होगा ना। हाँ। तो हमको तो ना लगता है कि लेके आए, प्राइवेट में भी मांग करते हैं पर मांग नहीं करते हैं। बिहार में तो लागू करवा दिए, मांग नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लागू कर दिए। अच्छा। ये तो जनता बूझे। अच्छा। हाँ, ये तो जनता बूझेगा वो क्या कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको इनकी जनता दिखाएगा। अच्छा। जी अब देखिए कि सरकारी नौकरियां ही कितनी हैं और उसके भी जो एंट्रेंस एग्जाम में फीस है वो अलग अलग, इस पर क्या बात। देखिए, सबसे पहला बात, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 24 लाख पद रिक्त है। हाँ। ठीक, तो ये लॉलीपॉप नौकरी देवे ना करोगे तो आरक्षण से कहा होगा। हाँ, सब कुछ ठेका पर दे रहा है। हाँ। सब कुछ ठेका पर दे रहा है, पहला बात। दूसरी बात, जब आप आरक्षण गरीब इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग को दे रहा है, मैं सवर्ण नहीं बोलूंगा इसको, तो जैसे आरक्षण के तहत उम्र सीमा IAS में 28 साल है जनरल के लिए, अब 32 साल है आरक्षित वर्ग के लिए। हाँ। तो भाई ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों भाई। ठीक है, तो उस सीमा से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको भी दो। हाँ। दूसरी चीज, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आपको सर्विस के लिए जो सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, सवर्ण को लगता है 500,000 रुपया और उनको लगता है 25-50 रुपया, ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों। तो उनको भी जब 10% आपकी है तो उनको भी उसमें उस कटौती में लाइए। तो राज्य में क्या होगा पता नहीं, अभी केंद्र में भी क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एगो पेच फसल है कि 50% से ऊपर जाएगा तो जुडिशरी में आएगा। तो ठीक है, आप अभी संविधान में संशोधन कर दिया, लेकिन जुडिशरी तो बैठेगा इस पर, और ऑलरेडी केस पुट हो गया है। और कल तो सुने हैं कि वो इंद्राणी कथितदुनी नाम है, वो फिर वो जो पहले आरक्षण पर जो केस लड़ी थी जब नरसिंह राव के सरकार में 10% आरक्षण का आया था, तो इंद्राणी का क्या नाम है, वो भी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। तो इलेक्शन आ जाएगा तो वो सोचते हैं कि वोट दे देगा, है फिर बन जाएगा, फिर राम मंदिर 70 साल से झूल रहा है। अच्छा, ये झूलेगा तो क्या होगा। एक बात ये बताइए कि मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो आरक्षण वाला बिल है इससे सवर्ण भी बट गए। एक घर में एक भाई है जिसके बेटे को आरक्षण मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो पहले जो सवर्ण थे वो कहते थे कि आप आरक्षित है, आप फायदा उठा रहे हैं, आप लाभ ले रहे हैं, अब तो खुद भी ले रहे हैं और कह भी नहीं सकते। देखिए भैया, ये राजनीतिक पार्टी जितना है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, चाहे जितनी पार्टियां अभी तक है, इनका एक क्यों काम है। अंग्रेज तो हिंदू मुस्लिम करते थे ना, इनका एक काम है पति और बीवी में झगड़ा करवा देना, बाप बेटा में झगड़ा करवा देना। अच्छा। जाति को टुकड़े टुकड़े में बांट देना। अच्छा। ठीक है, अरे भाई सबको बंद करो ना यार, वही बात तो हम भी बोल रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय समान अधिकारी यात्रा इसीलिए चल रहा, सबको बंद करो, मानव जाति की बात करो। आरक्षण देना है 10% के लिए, फिर बाबा साहेब अंबेडकर 10 साल के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर का सब नाम लेता है, बाबा साहेब अंबेडकर खाली आरक्षण दिए थे। 299 मेंबर था संविधान सभा में, और उनमें से 30 था आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अब बाकी कितना सब सवर्ण से था, और उसमें बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लिखा पढ़ी करेंगे सबके सहयोग से ना, कितना सभा हुआ था, 2 साल 11 महीना कुछ 18 दिन लगा था। हाँ, उसका जो मेन अध्यक्ष थे चेयरमैन, जो मालिक होगा, जैसे आपका भी कोई मालिक होगा इसका निचल का, तो वो जब तक ओके नहीं करते था आरक्षण मिलता का, और उनकी सहमति नहीं होती था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन राजेंद्र बाबू का एक को मूर्ति लगा, आरक्षण के नाम पर उनका नाम हो रहा है, कहला सवंत। ठीक, दूसरा बारी सब बोलता है सामाजिक न्याय, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास जी ना बोलता सामाजिक, मुलायम सिंह, मायावती, कि सामाजिक न्याय पर हम गरीबों को अथी किए। तो हम पूछते हैं का दिए हैं भैया अपन समाज को, चाहे गरीब को चाहे पिछड़ा को। वो जो आरक्षण था 27% मंडल कमीशन विश्वनाथ प्रताप सिंह दिए थे, वो भी एगो सवर्ण का बेटा था। हाँ, रामविलास जी जो बड़ा हल्ला करते हैं वो लोकसभा में, देखे नहीं है वो SC ST जब सुप्रीम कोर्ट पास किया था, तो कहते हैं का हम तो बर्दाश्त कर लिए, हमारे बेटा चिराग पासवान बर्दाश्त न करेगा। तो हम उनसे पूछते हैं पहला चीज, आप बर्दाश्त कथी किए। ठीक है, SC ST कानून अप्लाई थे का, वो एगो स्वर्ण का बेटा हमर सके फांसी लगा करके विश्वनाथ प्रताप सिंह सामाजिक न्याय के नाम पर लाया था। हाँ। देने वाला भी स्वर्ण का बेटा है। आप ना बर्दाश्त किए हैं तो एम की आपको, आपका बेटा को, आपका भाई को बिहार का जनता बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। और सब जगह हम शपथ लेवाए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सवन उनको माफ नहीं करेगा। चलिए, अब
मंडल कमीशन के भी जो सारे सिफारिशें थी वो लागू नहीं हो पाई थी, और आज भी जो देखिए बड़ा दुर्भाग्य, एक बात बोले, हाँ वही दुर्भाग्य का बात, लालू यादव और तेजस्वी यादव कथी कहता है, तेजस्वी यादव कि 85% आबादी को 90% आरक्षण दे दो ना, तो हम उनसे वो बात पूछते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो 27% दे दिए पिछड़ा अति पिछड़ा को, हाँ पिछड़ा अति पिछड़ा में करीब करीब 2500 कुछ जातियाँ, अच्छा ठीक, हाँ 2010 में संसद भवन में कमेटी, कौन कमेटी हमको नाम नहीं याद आ रहा है, वो लोग लाए थे जब UPA का सरकार था, अच्छा। कि पिछड़ा में तो नहीं ऊँचा, मध्यम पिछड़ा आ एकदम अति पिछड़ा, तीन भाग में बांट करके आरक्षण का परिधि को इसे कर दिया जाए, देखिए लालू यादव कितना होशियार है, सो मात्र 6 जात को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, हाँ मुस्लिम वर्ग भी है उसमें 75% आता है, उसको 0.2% मिल रहा है, ये 6 जात जो हैं पिछड़ा में हिमालय ले रहे हैं, हाँ बाकी अति पिछड़ा में जो 2500 कितना जात है बताइए तो, उन सबका का हाल हो रहा है, कितना बड़ा बेईमानी है, हैं है वो बात हमारा लालू यादव का और याद है, हम आपको बताते हैं, हम कुछ दिन थे वो पार्टी में, समझे लालू यादव के साथ रहते थे, हाँ तो 2015 का इलेक्शन नहीं था, तो बड़ा जोर शोर से हल्ला किए, हम रणनीति बता रहे हैं उनकी, बड़ा जोर शोर से हल्ला किए कि जातीय जनगणना बताओ नरेंद्र मोदी, ये जो अभी नहीं हुआ था लास्ट जनगणना, ठीक है देखिए देखिए इलेक्शन के पहले खूब हल्ला किए, आप याद करिए, हाँ इलेक्शन के बाद सरकार बन गया इनका, ना डेढ़ साल के करीब रहे सरकार में, डेढ़ पौने दो साल, एक को बढ़िया सुने थे क्या जातीय जनगणना, फिर इलेक्शन आया था फिर वो पाँच ओर रहे हैं, तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि भाई समझ जाओ, ये सब जातीय राजनीति कर कर के अपन पेट भरता है, हाँ पेट भर भर करके तो का हाल हो गया है, गोने कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, रांची टाची पता नहीं, ठीक है बेटा पत्नी सब कौन बेटी हो, हाँ बेटी हो, क्या क्या केस हो गया तो कितना रुपया आ गया, तेजस्वी जी बोलते हैं का कि दुश्मनी हो गया हमरा से ना, तो CBI भी गलत, कोर्ट भी गलत, हाँ कहियो कहियो बोलेगा CBI का जांच कराओ, अरे भाई ड्यूअल पॉलिसी का बोलता है, ड्यूअल पॉलिसी ना बोलना, कभी बोलता कोर्ट बड़ा अच्छा काम कर दिया, कभी बोलता कोर्ट गलत कर दिया, तो ड्यूअल पॉलिसी का बोलता है, हाँ तू एगो बात तो बता दो मेरे भाई कि 18-19 साल के वर्ष में इतना रुपया आया कहाँ से तुमको, फैक्ट्री उक्ट्री लगा ले था क्या बाबू जी, अच्छा हैं तो ये के करेगा क्वेश्चन, तो ये लोग सिर्फ जात पात धर्म के नाम पर, आरक्षण एक सगुफा है, आरक्षण एक वोट का जरिया है, लोगों को देना कुछ नहीं है, अगर मिलता तो अभी भी सर्वेक्षण इंडियन एक्सप्रेस में निकला है, SC ST OBC जो भी आरक्षण जो 49.5% है, मात्र 10% परिवार को फायदा हुआ है, अच्छा मात्र 10%, जो 90% परिवार है, क्योंकि मालूम है कि नहीं आरक्षण माने आपको आपका बेटा को ओकर बेटा को तीन पीढ़ी तक आ रहा है, बहुत रिकॉर्ड आया है, हम परसों की तरसों तो पढ़ रहे थे इसमें भास्कर में, दिल्ली का भास्कर में पूरा दिया है, 10 आदमी का नाम दिया है, उनका उनका बेटा फिर उनका बेटा, नहीं समझ आरक्षण का लाभ ले रहा है, ये जो गरीब वंचित वास्तव में जो दलित है, वास्तव में समाज में जो पिछड़ा हुआ है, जो गांव में टोला में कस्बा में रहता है, तो आज भी वही खेत में काम कर करके ठेला चला के रिक्शा चला के जीवन यापन, सत्य है। राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा के आगे बढ़े कौन से कार्यक्रम अब होने वाले? देखिए राष्ट्रीय समान अधिकार अभी तक 31 जिला का भ्रमण कर चुका है, ठीक है। करीब करीब 2.5 लाख लोगों से रूबरू हुए डायरेक्ट, ठीक 21 जनवरी को रविंद्र भवन में हमारा 11 बजे से पूरा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, और हमको तो लगता है कि रविंद्र भवन में क्या होगा, जिस तरीके से फोन आ रहा है पता नहीं, वो तो कैपेसिटी बड़ा कम है, लोग इतना जागरूक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया प्रिंसिपल्स में टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल ना, हमको लगता है इला रईवा जो हो गया है ना अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो टू बाय द पीपल फॉर द पीपल और टू द पीपल अपने आप कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कर रहे हैं, हम तो खाली जा रहे हैं बता रहे हैं कि का किया है 72 वर्ष में से सुनो, ठीक है हाँ लगता है ये जात पात धर्म से कुछ होना है, ठीक है तो ऐसी ही अंग्रेज तो हिंदू मुस्लिम किया था ना, अभी आपको बताया ये सब का करेगा पता नहीं, ठीक। गांधी मैदान में जगह बहुत होगी 25 फरवरी को, वहाँ क्या करेंगे सर? गांधी मैदान ये देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक, ना हम कुछ करने जा रहे हैं, हम तो लोगों के पास जा रहे हैं, आप बताए ना टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, वो अपने आप हो जाएगा जो होगा, हाँ अपने आप हो जाएगा। राजा भैया देखिए मुख्य अतिथि राजा भैया से हम
जाके मिले हैं, उनको निमंत्रण दिए हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकारा है। शेर सिंह राणा, ये दो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में भी जो होम काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। अच्छा, समझे? तो आप बुझिए, तो ये तीनों व्यक्ति मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश से बिहार तक का होगा और धीरे धीरे भारतवर्ष में का होगा। हम लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तविक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति न कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा का भी दरभंगा में एक कार्यक्रम है जी, उसमें फिर शेर सिंह राणा आ रहे हैं, कहीं फिर सन ऑफ मल्ला को पिन मारने का प्रयास तो नहीं हो रहा? पिछले बार कंट्रोवर्सी, देखिए देखिए देखिए, मुकेश सहनी जी से पिछला बार भी मेरा बातचीत हुआ था, देखिएगा, देखिए कितना कंट्रोवर्सी है, कितनी कंट्रोवर्सी है। ये लोग राजनीति खाली करते हैं, बोलते हैं फूलन देवी कथी है सामाजिक न्याय के धरोहर है या जो भी है, उनकी देवता, बहुत अच्छी बात है, आप देवता मानो उसको, लेकिन भाई फूलन देवी मान लीजिए किसी एक राजपूत के वजह, कोई एक राजपूत उनके साथ में गलती किया होगा, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन उसका मतलब पूरा समाज तो नहीं ना हो गया जी? तो वो भी तो सैकड़ों राजपूत का बच्चा से लेकर के खड़ा करके गोली मार दी थी, ठीक। दूसरी चीज, शेर सिंह राणा ने उसका हत्या किया या नहीं किया, एक क्वेश्चन मार्क है सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग मथुरा में वो प्रोग्राम किए थे, फूलन देवी की बहन मीना देवी नाम है शायद, वो आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग के साथ में की, और उसने साफ कहा कि इसमें शेर सिंह राणा का हाथ नहीं है, एक राजनीतिक साजिश थी। अच्छा, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट भी अभी छोड़े हुए हैं, तो ये तो न्याय की बात है ना, आप झूठ मूठ का इशू क्या कर रहे हो भाई? हम कहते हो बात सुनिए, क्या है नहीं हो तो न्याय बताएगा। शेर सिंह राणा के उनकी बहन भी स्टेटमेंट दे दी है। दूसरी बात, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को काबुल से जो उनका अस्थि कलश था उसको बेटा लेकर के आया है भारत में, वहाँ जूता चप्पल चलता था उस पर, तो महान शेर सिंह राणा है कि कौन है, ये बात तो जनता को समझना चाहिए। और ये जातीय भावना से ऊपर उठना चाहिए, हाई जबरदस्ती राजनीति के लिए हम एगो बात कहते हैं। अभी वो लवली आनंद के साथ में शिवहर में जाके कार्यक्रम की, वो ना मुकेश सहनी। अच्छा, हाँ, उसके कुछ दिन पहले हम लवली आनंद और शेर सिंह राणा वही साहेबगंज में एक कार्यक्रम किए थे, तो लवली आनंद से उनको ऐतराज न था। अच्छा, ठीक है, तो वो राजनीति करते हैं और ये गलत है, ठीक है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इंजीनियर रविंद्र सिंह ने अपने विचारों को, अपनी बातों को आपके सामने रखा, सोचना समझना आपको है, और आगे जो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसका भी जिक्र हमने आपके सामने किया। बहरहाल, अब क्या परिवर्तन आता है, कितना परिवर्तन ला पाते हैं, यह तो देखना होगा। आप भी इसके पार्ट हैं, हम भी इसके पार्ट हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, हर किसी की का मकसद यही है, भूमिका अपने हिसाब से हर कोई दे रहा है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। चलिए, बहुत बहुत फेसबुक पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, आपका शुक्रिया।